हाय एवरीवन। सो सबसे पहले तो अमेजोन यहाँ पर टेस्ट भेज रही है, ये वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड करी थी आज सुबह। सो मेक श्योर एक बार चेक कर लेना, लिंक आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। बट सबसे जरूरी सूचना के बारे में जरा बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम विप्रो एलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग। बात करते हैं जरा इसके बारे में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आज मैंने सोचा है कि मैं मेजरली इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पर कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से सुनते जा रहा मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स हायरिंग रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, विप्रो की एलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग, ये हायरिंग मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। जब मैंने ये हायरिंग को पोस्ट किया था, तब यहां पर इस हायरिंग की पहली बात तो डेडलाइन में कुछ चेंजेस आ चुके हैं। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, जब मैंने इस हायरिंग को पोस्ट किया था, तब मैं भी इस हायरिंग को ओपन नहीं कर पा रहा था, बट अब इस हायरिंग में यहां पर चेंजेस हुए हैं। अब इवन अगर आपका कॉलेज एलिजिबल भी नहीं है तो भी यू कैन ट्राई टू अप्लाई। ऑल्सो एक और चेंज हुआ है, इवन 2023 बैच को पहले अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बट अब यहाँ पर 2023 बैच भी अप्लाई कर पा रहा है। इवन अगर आपका कॉलेज एलिजिबल नहीं है तब भी आप इसमें ट्राई कर सकते हो अप्लाई करने का। अगर कोई भी एलिजिबिलिटी का इशू आएगा तो वो यहाँ पर आपको बता देगा। डेफिनेटली दिस इज फॉर लिमिटेड कॉलेजेस, बट यहाँ पर हायरिंग की लिंक में चेंजेस हुए हैं, इवन लिंक भी यहाँ पर चेंज हो गई है। सो मैं आपको सारी चीजें शो करता हूँ। इफ यू कैन सी, पहले अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने भी आपको ये चीज बोली थी कि इस हायरिंग को मैं भी ओपन नहीं कर पा रहा था, बट इफ यू कैन सी अब मैं इसको आराम से ओपन कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर स्टार्ट रजिस्टरिंग पे क्लिक कर सकता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें जा रहे हो तो। अदरवाइज ऑलरेडी हैव सुपरसेट अकाउंट एंड साइन इन पे हम क्लिक करते हैं। सो मैं एक बार साइन इन कर लेता हूँ इसमें, आपको सारी चीजें मैं लाइव ही शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। सो मैं यहाँ पर एक बार साइन इन कर लेता हूँ। अब अगर मैं साइन इन करूंगा, सो मुझे दिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब ओपनिंग। पहले तो ये वाली लिंक ओपन ही नहीं हो रही थी, बट नाउ इफ यू कैन सी द लिंक इज ओपनिंग, दिस इज द बेस्ट पार्ट। ऑल्सो गो टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टैब टू फाइंड आउट वाई। देखो मैं इसमें एलिजिबल नहीं हूँ, डेफिनेटली मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैं 2021 का पास आउट हूँ। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाऊंगा, आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे, अगर आपको ये दिखाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको नीचे ये चीजें आप बताएगा, लाइक अलाउड बैचेस में क्लियरली मेंशन है अलाउड बैचेस 2023 पास आउट, 2024 पास आउट। ऑल्सो ये चीज काफी ओपन इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओपन फॉर कॉलेज। सो द जॉब प्रोफाइल इज नॉट ओपन फॉर योर कॉलेज, ये मेरे को ये शो कर रहा है। ये जो हायरिंग है ये एलाइट एक्सक्लूसिव हायरिंग है, आप पढ़ सकते हो एक्सक्लूसिव। ये पूरे देश में, पैन इंडिया में 100 to 150 कॉलेजेस में कंडक्ट कराई जा रही है। सो अगर आपका कॉलेज एलिजिबल होगा, आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी इशू नहीं होने वाला है। बट अगर आपका कॉलेज एलिजिबल नहीं होगा, सो आपको ये दिखाएगा दिस जॉब प्रोफाइल इज नॉट ओपन फॉर योर कॉलेज, ठीक है। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ इफ यू कैन सी बाकी मेरे जो सारे क्राइटेरियाज हैं वो यहाँ पर मैच कर रहे हैं, कोई भी मुझे इशू नहीं आ रहा है। एक तो मैं 2021 पास आउट से हूं तो ये इसलिए केवल दो बैचेस अलाउड हैं, इसलिए यहां पर दिखा रहा है, बाकी कॉलेज वाली एलिजिबिलिटी दिखा रहा है। मेजरली जो मेरी ऑडियंस है 2023 2024 वाली, उनको अगर दिक्कत आएगी तो यहीं आएगी ओपन फॉर योर कॉलेज। सो अगर यहाँ पर ये रॉन्ग, यहाँ पर अगर ये क्रॉस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब क्या है, आपके कॉलेज के लिए नहीं ओपन, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये एक्सक्लूसिव हायरिंग है और ये लिमिटेड कॉलेजेस के लिए ओपन है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बाकी की डिटेल्स यहाँ पर और कुछ मेंशन नहीं है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बिग अपडेट कि यहाँ पर पहले हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे इस लिंक को, अब वी कैन एक्सेस द लिंक। ऑल्सो यू कैन सी द हायरिंग वर्क फ्लो, सबसे पहले एप्लीकेशन दिया है, यहाँ पर ऑफर दिया है। ऑल्सो इसकी हायरिंग का फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको फर्स्ट फेज में मेल नहीं आया है तो सेकंड फेज में मेल आ जाएगा। फर्स्ट फेज के ऊपर मैं ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा कुछ मेल देखने को मिल रहा है फ्रॉम मॉर्निंग स्टार फॉर एमडीपी एसोसिएट जॉब रोल, एंड डेफिनेटली अगर आप इसमें रजिस्टर करोगे तो आज से 10 से 15 दिन ये लेगा, और उसके बाद आपको डेफिनेटली सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में फिर से यहाँ पर मेल्स देखने को मिलेंगे, दैट इज एमडीपी एसोसिएट नवी मुंबई, एंड यू कैन रीड द रिक्वायरमेंट्स। इसके टेस्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक के अराउंड पर या 2 वीक्स में अराउंड। इसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट अप टू 2 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, देखो आप देख सकते हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेप्टेम्बर 2024 है, बाकी 4 लाख to 5.3 लाख का यहाँ पर पे पैकेज है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है वो ये आती है, जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस मांग रहा है जबकि हम तो फ्रेशर हैं। तो देखो अगर ये किसी भी सिचुएशन में आपसे एक्सपीरियंस किसी भी जगह पर पूछ रहा है, लाइक माई एक्सपीरियंस में अगर ये आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहा है, आपको बस कुछ भी करके ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सो जस्ट फिल वन, क्या फिल करना है आपको, वन, भले ही आपका 0 ईयर भी एक्सपीरियंस है कोई फर्क नहीं पड़ता इस एप्लीकेशन से, ठीक है। तो आपको वन फिल करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपका अप्लाई हो जाएगा।
देन अनदर गुड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, दे आर हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, ये अभी अनाउंस करी गई है। दिस इज फॉर 2025 बैच, 2026 बैच, आपको रेफर लेना पड़ेगा 2025 बैच वालों को, आज ही पोस्ट करी गई है 19 अगस्त को। सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। देन वी हैव अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस हायरिंग फॉर रिस्क कंसल्टेंट, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। बैचलर्स डिग्री इन मैनेजमेंट आईटी इंजीनियरिंग लिखी हुई है, मार्केटिंग ऑपरेशंस, मार्केट टेक्नोलॉजीज, एसक्यूएल मस्ट नीडेड एंड बाकी के रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ सकते हो। देन वी हैव हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ब्लूमबर्ग, दे अनाउंस 2024 एनालिटिक्स एंड सेल्स प्रोग्राम नवंबर क्लास मुंबई। टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर रिक्वायरमेंट में सारी चीजें मेंशन है। अ बैचलर्स डिग्री और रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू मल्टीटास्क, डिजायर टू लर्न, एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट आउटस्टैंडिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड एबिलिटी टू स्टार्ट फुल टाइम इन नवंबर 2024। सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस, ठीक है। सो ये भी एक अच्छी हायरिंग हो सकती है। देन वी हैव हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डेलॉयट, हायरिंग फॉर रिस्क कंसल्टेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स यू कैन रीड हियर। Let me put out the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching.